है चैलेंज न्यूज 24 और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के मुख्य खबरों की ओर। लखनऊ में हुए मिसेज यूपी क्वीन ऑफ वर्चुअल कार्यक्रम में समय को देखते हुए आगे बांदा शहर की इंदिरा नगर निवासी अर्चना वर्मा उप विजेता बनी, साथ ही वहीं लखनऊ की अदिति सिंह विजेता रही। कल्याणपुर महिलाओं को समाज में आगे निवासी गरिमा शुक्ला को कार्यक्रम में साइनिंग ऑफ यूपी का हर परिस्थितियों का टाइटल दिया गया। अर्चना वर्मा ने बताया कि कार्यक्रम में प्रदेश से सामना करना चाहिए, इससे 21 महिलाओं ने प्रतिभाग किया था। उन्होंने कहा कि मॉडलिंग का मनोबल बढ़ेगा। अर्चना के माता पिता ने अपनी बच्ची पर गर्व किया। आज मीडिया के माध्यम से उन्होंने बताया कि मेरी बच्ची का संघर्ष बहुत ही प्रशंसनीय रहा, हम सब बहुत खुश हैं, उसने अपने बांदा जनपद का नाम रोशन किया है। बांदा से दिनेश सिंह की रिपोर्ट। मेरा नाम अर्चना वर्मा है। आप क्यों, कौन से स्थान प्राप्त हुआ आपका मिस यूनिवर्स? देखिए, ये मेरा कोई स्थान नहीं है, ये मुझे इसमें सब टाइटल का जो एक मिला है मिसेस विवेसियस के नाम से। आपको यहाँ तक पहुँचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? वैसे तो मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारी कठिनाइयाँ उठाई हैं। अपनी पहली चीज़ तो मेरे घर पे मेरे कोई भी इस बात को परमिशंस देने के लिए तैयार नहीं था, फिर भी मैंने उनको किसी तरह से एग्री किया। अपने हस्बैंड, अपने मम्मा पापा सबको मैंने एग्री किया कि मुझे कुछ करना है और अपने सपनों को आगे बढ़ाना है। तो मेरी मम्मा का कहना था कि आप तो आफ्टर मैरिड हो, तो मैंने उनको समझाया, देखो मम्मा आप जो भी मेरी ऐसा नहीं होता है कि अगर किसी की शादी हो जाए तो उनकी जो लाइफ है वहीं पे ख़त्म हो जाती है, ऐसा नहीं है। आप शादी के बाद भी आप अपने सपनों को बढ़ाने का पूरा आपको हक मिलना चाहिए। मैंने जो किया और मैं आगे भी लोगों को वही प्रोत्साहन करूंगी कि आफ्टर मैरिड आप अपनी लाइफ को मत ख़त्म करो, आगे बढ़ाओ, कुछ करने का जज्बा रखो, अपने सपनों को व अपनी सोच को बदलने का मौका दो। एक मौका इनफैक्ट हम महिलाओं को मिलना चाहिए। अच्छा ये बताइए, इसमें आप लोगों को सरकारी कोई सहायता मिली? सरकारी सहायता तो देखिए नहीं मिली है, और इसमें देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके अंदर अगर कोई क्वालिटी है तो सरकार आपको खुद पे खुद आपको एक मौका देगी। इस तरह आप लोग और महिलाओं को या लड़कियों को क्या कहना चाहती है? मैं यही कहना चाहूँगी आज की युवा महिलाओं को और लड़कियों के लिए यही कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को कभी भी आप घर में मत बैठने दो, लाइफ में कुछ करो, जो भी करते हो आप खुलकर दिल से करो। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कितना समय लगा? यहाँ तक पहुँचने के लिए देखिए तो इनफैक्ट मेरा तो वैसे तो ये COVID-19 जो चल रहा था, कोरोना का जो चल माहौल था, तो इसमें तो देखिए मेरा है तो ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ, इसमें 251 लड़कियों ने प्रतिभाग में रही हैं और इसमें 21 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया, जो 21 लड़कियों में मेरा भी नाम था। और मेरा जो सिलेक्शन मेरा इंटरव्यू के दौरान मेरा एक सिलेक्शन हुआ, और सिलेक्शन के दौरान मेरे में बहुत सारी क्लासेस हुई, और क्लासेस के बाद मेरा ये जो फाइनल जो स्टेज में मुझे आने का मौका मिला, और ये आयोजन लखनऊ पे हुआ 19 दिसंबर। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए चैलेंज न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।